तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट के ऊपर गाइस। तो आज की वीडियो में लाया हूं मैं आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट वर्जन में वाइल्ड क्रीचर मोड, जिसकी मदद से आप लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्जन में वाइल्ड क्रीचर को स्पॉन कर सकते हो गाइस, और उनकी राइड भी कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डाउनलोड प्रोसेस, तो चलिए शुरू कर लेते हैं गाइस। तो गाइस आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिएगा आपके स्टेप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा गाइस। आपको जस्ट डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर यहां पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लिया गाइस। आप लोगों को ये 4 MB की फाइल है, आपको तुरंत डाउनलोड कर हो जाएगी गाइस। तो मेरे यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है गाइस, बस 2 सेकंड और, तो यहाँ पे आपने हो चुकी है डाउनलोड। आप लोग देख सकते हो 4 MB की फाइल। आपको जस्ट उस फाइल पे क्लिक करना है, जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फाइल पे क्लिक कीजिएगा, आपको माइनक्राफ्ट रिसीवर का ऑप्शन आएगा गाइस। आपको माइनक्राफ्ट सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है गाइस। अगर आपका माइनक्राफ्ट का ऑप्शन नहीं आता, आप जेट रिसीवर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है दोनों के दोनों, यहाँ पर रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक। चलिए वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे हम वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं गाइस। तो प्ले न्यू, क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सर्वाइवल से मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ। आप लोग सर्वाइवल में भी खेल सकते हो गाइस। यूज एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रिसोर्स पैक में जाना है, यहाँ पे वाइट क्रीचर्स आपको दिखेगा इसको एक्टिव कीजिएगा। उसके बाद बिहेवियर पैक में जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वाइट क्रीचर्स को भी एक्टिव कर लीजिएगा गाइस। दोनों को एक्टिव करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा दोनों को, जो कि एक्टिव है कि नहीं गाइस। उसके बाद आप लोग गेम में जाकर एक बार देख लीजिए एनिमल, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी क्रिएटिव में, इसलिए मैं आपको स्पॉन करके दिखाता हूँ एनिमल। आप लोग देखते हैं आप काफी सारे दिख जाएंगे, हिप्पोपोटामस हो गया, क्रोकोडाइल हो गया गाइस, मंकी हो गया, और काफी सारे आपको एनिमल मिलेंगे गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है 30 या 40 50 एनिमल है आपको यहाँ पे मिलेंगे गाइस एक करके। तो आप लोग देख सकते हैं मैं एक कुछ भी यहाँ पे रैंडमली एनिमल ले रहा हूँ, जिसको मैं गांव के साथ दिखा सकूँ गाइस, क्योंकि अगर मैं सारे एनिमल दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगा गाइस, जिसमें मैं दिखाने चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये है कमिलियन, ये है अपना कैमियल, और ये है अपना ऑर्गेटाइन। तो आप लोग देख सकते हो ये है ऑर्गेटाइन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है एलिगेटर, और यहाँ पे अपना यहाँ पे बकेट फ्लॉक, ये पता नहीं कौन सा इसका नाम है। ये शायद एक नया हम लोग जो नया अपडेट आ रहा है, के अपडेट, उसमें भी ये है। तो गाइस ये भी इसमें है, आपको देख सकते हो, इसमें आपको टोटाइज भी मिल जाएगा गाइस। आप देख सकते हो टोटाइज है अपना, तो काफी अलग टाइप का टोटाइज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्टल मिलता ही है, क्या बोलते हैं पोकेमॉन यहाँ पे मिलता ही है। माइनक्राफ्ट में भी असली टर्टल है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप के आपको एलिगेटर मिलेंगे, एक क्रोकोडाइल है, एक एलिगेटर है गाइस, और ये अपना हिप्पोपोटामस गाइस। आप देखो हिप्पोपोटामस को कितना ज्यादा रियलिस्टिक टाइप का ग्राफिक दिया हुआ है, टेक्चर दिया हुआ है, बिल्कुल रियल टाइप का हिप्पोपोटामस लग रहा है गाइस। देख सकते हो ये है अपना यहाँ पे पेंगुइन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पेंगुइन बिल्कुल स्लाइड होकर चल रहा है, क्योंकि आइस बायो में रहता है गाइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जिराफ भी है गाइस, जिसको मैंने स्पॉन नहीं किया है। वैसे अब हम दिखाता हूँ गाइस, ये है अपना लायन, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक लायन, ये देखो ये है लायनेस, यानी कि लायन और लायनेस, और यहाँ पे दो लाइन में लगा रहा हूँ। जैसे आप लोग 2-3 लाइन लाओगे यहाँ लड़ाई हो जाएगी शुरू, कहीं दोनों लाइन एक दूसरे से लड़ते गाइस। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं एलिगेटर भी स्पॉन कर दिया हूँ, यहाँ पे एलिगेटर भी जल गया वहाँ पे थर्ड पार्टी करने गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट टाइगर आपको दिखेंगे गाइस, और यहाँ पे आपको नॉर्मल वाले टाइगर भी, यहाँ पे देखो यहाँ पे गाइस मैं नॉर्मल टाइगर भी आपको स्पॉन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो कैमल भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वाइल्ड, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल टाइगर गाइस, यहाँ पे कैमल, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंट कितना ज्यादा, यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट है, और एक और एलिफेंट आपको दिख जाएगा नॉर्मल वाला, जो कि एकदम ब्लैक होता है, ये तो थोड़ा ग्रे टाइप का, एक ब्राउन टाइप में पूरा तरह से होता है, एक ब्लैक टाइप का भी दिखता है। तो ये तो हो गया गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ और भी सारी चीजें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैं काफी सारे यहाँ पे एनिमल आ चुके हैं, जो कि मैंने स्पॉन नहीं किया, सच बता रहा हूँ मैं यहाँ स्पॉन नहीं किया। अब देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे लाइन वगैरह करना है गाइस, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो अकेसिया वाला बायोम में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लाइन स्पॉन होते गाइस। हमें आपको बताते हैं उसकी राइड कैसे करना है गाइस। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एलिफेंट लेना है, और उसको केक खिलाना है। जैसे ही आप लोग केक खिलाओगे उसको टेम हो जाएगा गाइस, और उसके बाद आप सैडल लगा सकते हो उसके ऊपर गाइस, और इसमें टेम कर सकते हो और उसके बाद चला सकते हो गाइस। आप लोग इसमें 3 एनिमल की राइड कर सकते हो, पहला तो अपना एलिफेंट हो गया, दूसरा अपना कैमल है, तीसरा अपना ऑस्ट्रिच है गाइस। तो मैं बाकी और 2 एनिमल को बता देता हूं क्या है फूड। तो कैमल आपको लेना है, वीट से आप लोग टेम कर सकते हो कैमल को गाइस। तो यहाँ पे वीट आप लोग टेम कर लीजिएगा गाइस, और वीट में करने के बाद इसमें सैडल लगा के आप लोग इसको चला सकते हो गाइस। मेरे पास अभी सैडल नहीं है, और मैं दिखाता हूँ आपको ऑस्ट्रिच का गाइस। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच खाता है पोटैटो गाइस, आप लोग पोटैटो खिलाओगे तो ये टेम हो जाएगा गाइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पोटैटो खाने के बाद ये टेम हो चुका है, और अब इसके ऊपर सैडल लगा देता हूँ मैं गाइस। यहाँ पे एक सैडल ले लिया, 2 सैडल ले लिया, अब दोनों के ऊपर सैडल लगा देते हैं गाइस। यहाँ पे मेला मिल गया, यहाँ पे कैमल, इसको लगा देते हैं सैडल। तो ये देखो ये रहा अपना कैमल, तो ये देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे एनिमल स्पॉन हो चुके हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रिच को भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे रस सैडल। तो ये देखो गाइस यहाँ पे ऑस्ट्रिच को भी मैंने सैडल लगा दिया, और ये ऑस्ट्रिच थोड़ा सा तेज है बाकी के एनिमल के मुकाबले गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी स्पीड में चलता है, क्योंकि ऑस्ट्रिच स्पीड होता है गाइस। तो गाइस अगर आप वीडियो छोड़ा गाइस तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और भी मोर के लिए माइक्रोफोन गाइस। तब तक मिलते हैं गाइस अगले गेम में, शो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।